इस मौसम में पाई जाने वाली एक अद्भुत औषधि जिसका नाम है चक्रमर्द। सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे बहुतायत में आपको मिलेगा चक्रमर्द, जिसे हम चकोड़ा भी कहते हैं और हमारा मालवी भाषा में मध्य प्रदेश में से पुआड़िया भी कहते हैं। तो ये एक अद्भुत औषधि है जो मेदोहर है, आपके शरीर के बढ़े हुए फैट को कम करती है, वात शामक है, कफ शामक है, इसके अलावा जितने भी तरह की दाद होती है, खुजली होती है, कंडू होता है, उसको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है, कांतिवर्धक है, आपके चेहरे का और आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाने वाली है, सौकुमार्य है, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं उनको भी ये दिया जा सकता है। इसका मतलब 100% सेफ है। हंति उष्णम, जितने भी शरीर में गर्मी बढ़ी हुई रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा हमें अंदर से ऐसा भपका जैसा उठता है, गरम गरम लगता है, उसको ठीक करने में बहुत अच्छे से चक्रमर्द सक्षम है। कुष्ठ, जितने भी तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं, चाहे खुजली के अलावा, चाहे अलग अलग तरह के डिस्कलरेशन हो, झाइयाँ हो, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो, वाइटिश हो, रेड हो, ये सारे डिस्कलरेशंस को भी ये ठीक करती है। विषमहंति, जितने भी तरह के टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं उनको सबको निकाल के पूरे बॉडी को हर तरह से डिटॉक्स करने में सक्षम है। कास और श्वास, खांसी को और सांस चलने की, जो थोड़ा सा सीढ़ी चलने पे सांस फूलने लगती है, थोड़ा काम करने पे सांस फूलने लगती है, वो श्वास को भी पूरा ठीक करने में सक्षम है। बारिश के मौसम में होने वाली छोटी मोटी खांसी को भी ठीक करने में सक्षम है। कृमिघ्न है, छोटे बच्चों के पेट के कीड़ों को भी ये मारने में सक्षम है। और इसके अलावा भी जितने तरह के अलग अलग इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं वो सारे कीटाणुओं को ये ठीक करने में सक्षम है। तो ये जो पुआड़िया है, ये जो चक्रमर्द है, जो चकोड़ा है, इसकी पत्तियों को आप चाय की तरह उबाल के भी, चाय पत्ती के साथ में भी इसको उबाल के पी सकते हैं, इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, इसकी भाजी, इसके पकौड़े बना के खा सकते हैं, और बारिश ख़त्म होने तक इसके बीज, इसके छोटी छोटी फलियां आएंगी, उसमें बीज निकलेंगे, उसको हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट करके अगर आप बॉईल करके पीते हैं तो बहुत अच्छा कॉफ़ी फ्लेवर इसमें आता है, और ये आपको बहुत अच्छा सा स्वाद भी देगा और बहुत अच्छा सा पोषण भी देगा, बॉडी के सारे दर्दों को भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा हर्पीस, जो इस मौसम में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसे हम विसर्प भी कहते हैं, जिसे हम नागिन भी कहते हैं, जो तो इस हर्पीस में क्या होता है कि कई बार लोगों की आँख चली जाती है, बड़े से रेड पैच हो जाते हैं और वहाँ बहुत जलन होती है, पेन होता है और बड़ी असहनीय स्थिति होती है। तो ऐसी हर्पीस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छी एंटीवायरल गुणों से युक्त चक्रमर्द है, और उसका हम अर्क बनाते हैं, जिसे हम चक्रमर्द अर्क के नाम से नर्मदे आयुर्वेदम में रखते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप निश्चित तौर पर जंगल जाइए या फिर आप सड़कों के किनारे से चक्रमर्द को उखाड़ के लाइए और उसका प्रयोग करिए, ये बिल्कुल सेफ है। और अगर आप वो सब नहीं करना चाहते तो चक्रमर्द अर्क भी हम बनाते हैं, इसको भी मात्र एक एक ढक्कन सुबह शाम, या अगर आपको हर्पीस हो गया है तो दो दो ढक्कन सुबह दोपहर शाम अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, हर्पीस अर्क के नाम से भी हम इसको बनाते हैं, तो ये आपके हर्पीस को 1 से 2 दिन के अंदर ही बहुत बहुत हद तक उसको ठीक करने में सक्षम है, और 1 हफ्ते के प्रयोग से हर्पीस लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आप ज़रूर प्रयोग करें हर्पीस अर्क प्रिपेयर्ड बाय चक्रमर्द अर्क, प्रिपेयर्ड आउट ऑफ चक्रमर्दा एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय नर्मदे आयुर्वेदम। मैं डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, नर्मदे आयुर्वेदम उज्जैन से। थैंक यू।